आज गोविंदपुर के डिवाइन पब्लिक स्कूल में निकाली गई जागरूकता रैली। जी हाँ, रुबेला के प्रति समाज जागरूक हो, इसके लिए जागरूकता रैली निकाली गई। गोविंदपुर में कोरोना के दौरान 4 बच्चों की मृत्यु इसी वायरस से हुई थी, इसलिए यहाँ के लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। इसमें समाज सेवी, स्वास्थ्यकर्मी एवं शिक्षक सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज डिवाइन पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने प्रभात फेरी निकालकर क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। आइए आपको सुनाते हैं स्वास्थ्यकर्मी एवं प्रधानाध्यापक ने क्या कुछ कहा। एमआर का रैली निकाले हैं स्कूल से, डिवाइन स्कूल कुम्हारडी से। क्या है इसमें, क्या विशेषता रही है इसकी, क्या जानकारी दे रहे हैं आप लोगों? हम लोग ने ये किया है कि हर माध्यम से, जिस तरह से भी हो सके, रैली के माध्यम से, बोलने से, सुनने से, बहुत आदमी अलग अलग रूप में पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। हमने रैली के द्वारा आदमी को आकर्षित करके इसलिए कि प्रचार प्रसार किया कि एमआर 12 अप्रैल से शुरू हुई इसकी अभियान है। ये बहुत ही खतरनाक और संक्रमित है जो कि महामारी का रूप ले लेती थी। पिछले 2 साल में हम लोग टीकाकरण में जो कोरोना काल में जो परेशानी हुई उसकी पिछले साल हमने देखा कि गोविंदपुर में 4 बच्चे मर गए हैं और उसके कारण बहुत सी गांव में महामारियां बहुत सारी फैल चुकी थी, जिसमें एमआर का टीकाकरण के ब्रेकआउट के कारण। उसको हम लोग ने बहुत मंथन के बाद ये सरकार ने तय किया कि हम लोग एक एमआर की अभियान चलाएं, जिसमें 9 माह से 15 साल के बच्चे को सभी को एमआर का टीका लगेगा। और इसमें इसलिए हम लोग एक नारा लगाए हैं, हर घर का बच्चा टीका पाए, कोई बच्चा छूट ना जाए, जिससे कि एक भी बच्चा हम लोग ना छूटे। ये मेरी कोशिश है, हमारी संस्था की कोशिश है। कहाँ मिलेगा यह जो टीका आप बात कर रही हैं, कहाँ मिलेगा लोगों? पहले फर्स्ट 2 वीक में सरकार के आदेश है, आदेशानुसार हम लोग की जानकारी के अनुसार है कि 2 वीक आपको हर स्कूल में मिलेगी, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो भी हो। 2 वीक आपको आंगनवाड़ी में मिलेगी, उसके बाद जो बच्चा छूटेगा आगे का निर्देश जो होगा उसके बाद। स्कूल में जो आप इसको देने के आ रहे हैं, ऐसे भी कुछ रूल है कि कुछ बच्चे को नहीं देना है, जैसे कोई अलग दवा खा रहा हो, ऐसा कुछ नियम आप लोगों को बताया गया है? जो गंभीर रूप से बीमार हो उसको नहीं देना है, उसके बाद अगर कोई और परेशानी बीच में आती है तो मैंने आगे बात करके फिर राय मशवरा चाइल्ड स्पेशलिस्ट से लेके मैं दूंगी। दोबारा ना ले कोई, मान लीजिए इस स्कूल में कोई पढ़ रहा है और आंगनबाड़ी में भी दिया जाता है, हाँ, तो उसके रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था? उसके लिए कार्ड है, पूरा लाइनिंग लिस्टिंग है हम लोग के पास, जो भी अगर स्कूल में भी जाएगा तो उसकी जानकारी हम लोग के पास रहेगी और उसको फिर हम लोग चिन्हित करेंगे और रिपीट नहीं होगी। पर बच्चे को आप लोग प्रमाण पत्र दे रहे हैं क्या? हाँ, प्रमाण पत्र देना है। इस विद्यालय में कब करने जा रहे हैं? इसकी अभी हमको गाइडलाइन नहीं आई, जब एक्शन प्लान जो आएगी तो हम लोग पहले 2 दिन पहले सूचना हम आप लोग को दे। सबसे पहले स्कूल में ही आएगा या आंगनवाड़ी? नहीं, सबसे पहले स्कूल में। जी, अपना नाम और पद बता दो। नूतन कुमारी, CSC गोविंदपुर, ANM पद। जो आप लोगों को बताया गया ANM के द्वारा, समझाया गया क्या था और कैसे आप गार्जियनों को सलाह दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं अभिभावकों? ANM के तरह जो बताया गया है, मिजल्स रूबेला एक ऐसी बीमारी है जो 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ज्यादातर वो संक्रमित होते हैं, इसलिए इस उम्र के सभी बच्चों को टीकाकरण करवाया जाए, यह प्रयास झारखंड की सरकार की तरफ से की जा रही है। और यह पहल जो है सरकार की तरफ से जो की जा रही है बहुत ही अच्छी पहल है, इससे हमें लगता है कि हम एक समाज में जो है एक बहुत बेहतरीन कार्य होगा और हम एक स्वस्थ समाज का जो है निर्माण करवा कर सकते हैं। अभी भी कुछ अभिभावक हैं जो इससे डरते हैं। जी, उन्हें लगता है कि इसे खाने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, उसको कैसे समझाएंगे आप? उन सारे गार्जियन को जो आप देख सकते हैं कि आज भी आंगनबाड़ी हो चाहे कई ऐसे जगह पे है पोलियो का टीकाकरण करवाया जा रहा है। पोलियो भी एक गंभीर बीमारी थी जो उस समय लोग इस बात को नहीं समझते थे, लेकिन जब धीरे धीरे लोग इस बात को समझे कि नहीं यह गंभीर बीमारी है और अगर इसका टीका नहीं लेते हैं तो हम अपने बच्चे को जो है संक्रमित होने से नहीं बचा सकते हैं, तो इस तरह से वैसे गार्जियन को समझना चाहिए इन सारे बातों को। और हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिए एक संक्रमित 9 माह से जो है 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ये ज्यादा संक्रमित होने की उनमें संभावना होती है, और अगर आप वो संक्रमित होते हैं तो हम एक स्वस्थ और बेहतर समाज को जो है निर्माण करने में सक्षम नहीं होंगे, हम एक स्वस्थ शिशु के जो है उनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं,
इस प्रकार से वैसे गार्जियन को हम तरह तरह से प्रयास करेंगे कि समझाएं और वो तैयार हो अपने बच्चे को रूबेला या मीजल्स जो है इनसे बचाने के लिए टीकाकरण करवाएं। बच्चों से क्या फीडबैक मिल रहा है अभी तक? बच्चे काफी उत्साहित हैं, हमें लग रहा है कि वो घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे कि यह एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से और शायद हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सरकार के पहल में हमें सहयोग करना चाहिए। अपने आसपास से लेकर देश दुनिया की प्रमुख समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज 69 भारत, हमेशा आपके साथ, सच के साथ, सच पर बात।